हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन क्लास। टुडे वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योगा विच वी आल्सो नो बाय द नेम ऑफ अष्टांग योग। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पतंजलि डिस्क्राइब एट एलिमेंट्स ऑफ योगा इन योग सूत्र। दीज आर कॉल्ड एट फोल्ड पथ और एट स्टेप थ्रू विच अल्टीमेट गोल ऑफ योगा कैन बी अचीव। Union of our soul with the supreme soul. The elements of yoga are stated below: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. ठीक है, तो the practice of each elements of important for attaining the goal of yoga. ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में eight elements को describe किया है, जिसका अर्थ होता है eight step. ठीक है, जो इसका मेन एम है वो है यूनियन ऑफ आवर सोल विद द सुप्रीम सोल, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, और ये एट होते हैं एलिमेंट्स: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक एलिमेंट्स को काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये एलिमेंट्स हमारी लाइफ में भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में तो। ठीक है, तो यम क्या होता है? यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। ठीक है, यम पहला अष्टांग योग का फर्स्ट एलिमेंट है। तो टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट यम। देयर आर फाइव स्टेप ऑफ यम हुज नेम इज अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ठीक है, तो यम क्या होता है? यम इज सोशल बिहेवियर। इट टीच अस हाउ टू ट्रीट अदर एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। दीज आर मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यम हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, वर्ल्ड में किस हिसाब से कैसे बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये हमें अहिंसा के मार्ग पर मतलब ले जाता है। तो ये फाइव होते हैं यम। फर्स्ट इज अहिंसा। अहिंसा मीन्स होता है नॉन वायलेंस। ठीक है, तो द वर्ड अहिंसा मीन्स नॉट टू इंजर एनी पर्सन एनी वे। अहिंसा मीन्स काइंडनेस, फ्रेंडनेस एंड थॉटफुल ऑफ अदर पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, तो अहिंसा वर्ड का अर्थ होता है किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से इंजर नहीं करना, यानी कि हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अहिंसा का मीन्स होता है हमें काइंडनेस। ठीक है, हमें मतलब दयालु दिखाना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। ठीक है, और दूसरों के थॉट्स, दूसरों के विचारों और जो उसकी थिंग्स है उसकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो कोजिंग नो हार्म टू एनी लिविंग थिंग, एंग्जाइटी, जेलेसी, हेट, एंगर एंड सच टाइप ऑफ निगेटिव इमोशंस आर इंक्लूडेड वायलेंस। ठीक है, इट मीन्स हमें कोई व्यक्ति या जीव को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए हमें। ठीक है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए ऐसे काम करने से। ठीक है, और हमें एंग्जाइटी, जेलेसी, एंगर और निगेटिव इमोशंस से दूर रहना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट नॉट टू इंजर एनी वन। ठीक है, हमें किसी भी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। एंड वी मस्ट नॉट टू स्पीक इल ऑफ अदर। ठीक है, हमें दूसरों को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। एंड वी मस्ट नॉट डिस्प्ले एनी निगेटिव इमोशन एंड कंट्रोल योर इमोशंस। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो हमारे जो निगेटिव इमोशन को डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने जो ऐसे इमोशन जो हमारे आते हैं उसको कंट्रोल करने चाहिए हमें। ठीक है, तो देयर मस्ट बी लव, अफेक्शन एंड रिगार्ड फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज फॉर अदर क्रिएचर्स। ठीक है, यानी कि हमें जीव जंतु के लिए इसने प्यार और रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए हमारे मन में। ठीक है, यानी कि हमें उन्हें किसी प्रकार से इंजर्ड नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें हिंसा के उन सभी कार्यों से दूर रहना है जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, यानी कि जो किसी दूसरे को प्रॉब्लम करते हैं हमारी वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो जो हिंसा में केवल मतलब फिजिकली हार्म ही नहीं है बल्कि मेंटल हार्म भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों हार्म हो सकते हैं। इसलिए अहिंसा हमें किसी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या, क्रोध, मतलब एंगर, नफरत का विरोध करना सिखाता है। ठीक है, तो वी स्टे चिल, यानी कि हमें शांति रहना चाहिए। ठीक है, एंड वी शुड कंट्रोल अवर एंगर एंड नॉट हर्ट एनीवन। ठीक है, हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। द मेन ऑफ अहिंसा, वी शुड नॉट हैव बैड थॉट इन आवर माइंड। ठीक है, जो इसका मेन एम है वह है अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आने चाहिए हमारे किसी के प्रति। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भी कह रखा है, महात्मा गांधी हैज सेड दैट थ्रू नॉन वायलेंस वी टीच द वर्ल्ड टू बी फ्रेंड। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है अहिंसा से हम वर्ल्ड को मतलब जगत को मित्र बनाना सिखाते हैं, बनना सीखते हैं। ठीक है,
नाउ सेकंड है सत्य। सत्य मीन्स होता है ट्रूथफुलनेस, ठीक है। तो सत्य मीन्स होता है टू स्पीक टू ट्रूथ, ठीक है। यानी कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। सत्य सत्य इज एन इम्पोर्टेंट नियम, सत्य के इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है। वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट्स स्पीच वर्ड एंड डीड्स एंड वी मस्ट नॉट टेल ए लाई, ठीक है। यानी कि हमें हम जो सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारे शब्द है, ठीक है, और जो हम कर रहे हैं, इन सब में सच्चाई दिखनी चाहिए हमारे। यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं, ठीक है। और हमें किसी भी कीमत में वी मस्ट नॉट टेल ए लाई, और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट अब्सटेन फ्रॉम फॉलिसनेस एनी काइंड एंड वी मस्ट नॉट स्पीक टू अदर इन ए रॉन्ग मैनर, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एंड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। यानी कि हमें किसी भी प्रकार के झूठेपन से दूर रहना चाहिए, और हमें किसी भी गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए किसी से भी, ठीक है। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और किसी भी कीमत पर हमें सत्य ही बोलना चाहिए, हर कीमत पर, ठीक है। चाहे कुछ भी, हमें वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि किसी से सच को छिपाना भी झूठी माना जाता है। अगर आप किसी को सच छुपा रहे हो तो वो भी आपसे झूठी माना जाएगा। तो डोंट से एनीथिंग इफ यू कैन नॉट से समथिंग गुड, यदि आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ बुरा भी मत कहो, ठीक है। तो महात्मा गांधी लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन ट्रूथ एंड मेड ट्रूथ द बेसिस ऑफ हिज प्रैक्टिस, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्य पर विशेष बल दिया था, यू नो, और सत्य को उन्होंने अपनी जो कार्य पद्धति पर भी जो उनकी कार्य पद्धति है उसका भी आधार बनाया उन्होंने, ठीक है। यानी कि हमें सत्य बोला और उसी को अपनी लाइफ में फॉलो भी किया, ठीक है। नौ नष्ट है असत्य। असत्य मीन्स होता है नॉट स्टेलिंग, ठीक है। तो द इंक्लिनेशन टू यूज अदर ऑब्जेक्ट मनी एंड थॉट फॉर वंस आवर बेनिफिट इज स्टेलिंग, ठीक है। अब्सटेनिंग फ्रॉम इट इज असत्य, ठीक है। तो असत्य का मीन्स होता है चोरी नहीं करना, ठीक है। यानी कि हमें किसी भी वस्तुओं किसी की संपत्ति, यानी धन हो गया, उसके किसी के थॉट हो गए, या किसी के ऑब्जेक्ट को चुरा कर नहीं चुराने चाहिए, ठीक है। यानी कि इनको यानी किसी की वस्तु संपत्ति धन थॉट आदि को चुरा कर अपने बेनिफिट के लिए यूज करना नैतिक रूप से गलत है, ठीक है। और अपने बेनिफिट के लिए इन चीजों का यूज करना भी चोरी ही कहा जाता है, ठीक है। वी मस्ट अब्सटेन फ्रॉम इट, हमें इनसे दूर रहना चाहिए कभी भी हो, ठीक है। हमें मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के थॉट नहीं चुरानी चाहिए, किसी की वस्तुएं नहीं चुरानी चाहिए, ठीक है। हमें इससे बचना चाहिए। तो इफ आई टेक एडवांटेज ऑफ अदर थिंग आई एम स्टेलिंग, ठीक है। अगर मैं दूसरों की चीजों का फायदा उठाता हूँ तो मैं भी चोरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वी डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिम हर, तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, हमें किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो सो वी शुड नाइदर स्टील एनीथिंग नो मोटिवेट अदर टू स्टील, ठीक है। इसलिए ना तो हमें कोई चीज चुरानी चाहिए, न ही हमें किसी को दूसरे को चुराने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेलिंग इज क्राइम बोथ लीगल एंड मोरली, ठीक है, यू नो। तो वी शुड फील सेल्फनेस सटिस, तो क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे की चीज को चुरा रहे हैं, ठीक है, हमें दूसरे को किसी चीज को चुराने के लिए मोटिवेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम मतलब स्टेलिंग इज क्राइम बोथ लीगली एंड मोरली, अगर हम किसी की चीज चुरा रहे तो वो भी क्या है, एक लीगली रूप से चोरी ही होती है, ठीक है। तो वी शुड फील सेटिस्फाइड विद व्हाट गॉड हैज गिवन अस, इसलिए गॉड ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स क्या होता है, नॉट वी टेक ए डाइट, ठीक है। ब्रह्मचर्य मीन्स होता है सेंस कंट्रोल, ओके। तो इट इज ऑल्सो एन एथिकल वैल्यू टू कंट्रोल यूर सेल्फ, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, यह एक एथिकल वैल्यू है, अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है। बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अचीव सक्सेस, ठीक है, क्योंकि यह सफलता प्राप्त करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो, ठीक है। वैसे ब्रह्मचर्य हैज बीन कंसिडर्ड क्वाइट डिफिकल्ट टू फॉलो, ठीक है, मतलब यानी कि क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना काफी कठिन माना गया है, ठीक है। तो जनरली कीपिंग कंट्रोल ओवर योर सीक्रेट सेंस एंड रेस्ट्रेंट्स
ठीक है, रेस्ट्रेंसेंस इज कॉल्ड सेलिबेसी। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य क्या क्या रखा है, ब्रह्मचार्य मैंने चलने लिया अगर कीपिंग कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, ये क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, अपनी जो हमारी इंद्रियां अपने कंट्रोल में कर ले तो उसे ब्रह्मचर्य कहेंगे, उन्हें करना चाहिए। तो नॉट टू टेक ए डाइट द स्टिमुलेटेस सेक्सुअल डिजायर, नॉट टू रीड पोर्नोग्राफी एंड सेक्स रिलेटेड लिटरेचर, एंड नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशन इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ठीक है, हमें किसी मतलब हमें ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है। ठीक है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, अपनी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना चाहिए हमें, तो वी शुड कंट्रोल अवर सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, हमें प्रोनोग्राफी और सेक्स से जो रिलेटेड लिटरेचर की तरफ नहीं पढ़ना चाहिए। वी डू नॉट रीड द रिलेटेड लिटरेचर। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे नहीं पढ़ने चाहिए सेक्स रिलेटेड लिटरेचर। ठीक है, तो कंजर्विंग वंस एनर्जी यूजिंग यूअर एनर्जी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी, नॉट फॉर प्लेजर। ठीक है, तो हमें अपनी एनर्जी को बचाकर रखना है, अपनी एनर्जी को किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करना है अपनी एनर्जी को, ना कि प्लेजर के लिए। ठीक है, तो वी कॉल इट ब्रह्मचर्य। तो इसमें हम क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो द रियल मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य इट इज डिस्कवरी ऑफ ब्रह्मा, यानी कि जो मेन है ब्रह्मचर्य का मेन उद्देश्य वह है ब्रह्मा की खोज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपरिग्रह। तो अपरिग्रह इज द लास्ट यम इज पतंजलि। ठीक है, तो अपरिग्रह जो लास्ट यम का जो लास्ट टॉपिक है, नॉन पोसेसिवनेस, नॉन ग्रास्पिंग और नॉन ग्रेटनेस। ठीक है, अपरिग्रह है रेफर्स टू कीपिंग द डिजायर फॉर पोजिशन टू व्हाट इज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट डिपेंडिंग ऑन वंस लाइफ स्टे एंड कंट्रोल। ठीक है, यानी कि ना ही आपको ऐसी कोई चीज के लिए पागल होना है, यानी किसी मतलब धन प्रॉपर्टी के लिए पागल नहीं होना है आपको। ठीक है, ना ही हर चीज को इकट्ठा करते हुए जाना है आपको। ठीक है, और ना ही लालच करना है आपको। ठीक है, हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट करना चाहिए मनी को, प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसलिए मन वाणी व शरीर से अननेसेसरी वस्तुओं, अननेसेसरी थिंग्स हो गया अननेसेसरी थॉट को इकट्ठा नहीं करना है हमें। ठीक है, अपनी ग्रह कहते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट डिजायर फॉर फिजिकल प्लेजर्स। ठीक है, हमें फिजिकल प्लेजर्स यानी कि भौतिक सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो अपरिग्रह इज वेरी इम्पोर्टेंट टू रिलाइव। ठीक है, इट इज वेरी अपरिग्रह इज वेरी मच नीडेड इन टूडे लाइफ। ठीक है, टूडे वर्ल्ड वेयर पीपुल आर बिजी होर्डिंग मनी, अपरिग्रह टीच अस टू लाइव विद द मिनिमम ऑफ थिंग डेट आर एनफ इज सस्टेन लाइफ। तो वी मस्ट फॉलो अपरिग्रह। ठीक है, तो अपरिग्रह आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, जहां लोग क्या कर रहे हैं मनी के लिए ही मनी क्या कर रही है मतलब होर्डिंग कर रहे हैं, मतलब यानी कि जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपरिग्रह हमें मिनिमम चीजों के साथ रहना सिखाता है। ठीक है, जो लाइफ को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, इसलिए हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो टेक ओनली व्हाट यू नीड, टेक ओनली व्हाट यू हैव अर्न। ठीक है, हमें केवल वही चाहिए होता है जो उसको मतलब हम अर्जित कर सके। ठीक है, तो हमें वही चीज इकट्ठी करनी चाहिए जो हमें चाहिए, हमारी लाइफ के लिए चाहिए, उतनी ही अर्न करनी चाहिए हमें। ठीक है, यानी कि हमें पागलों की तरह पागल नहीं होना है, किसी के पीछे हमें इकट्ठा नहीं करना है कि। ठीक है, तो ये हमें अपरिग्रह सिखाता है। सो वी कैन से डेट दीज फाइव ऑफ यम आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अवर लाइफ। थैंक यू।